C5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। अलीना तो गई हुई है दिल्ली, हमारे दूल्हे राजा को सहरा बांधेगी कौन? रुखसार है, सहरा बंदी की रस्म रुखसार ही करेगी, आखिर वो भी तो बहन की तरह है। रुखसार, तुम हमें ये नहीं पहना सकती? क्यों ना पहनाए कभी। सर हम कह रहे तुमसे नहीं पहना सकती, तुम हमारी बहन नहीं हो, तुम हमारी बीवी हो। मैडम आपके नाम का कोरियर है, हम आपको एड्रेस भेजते हैं, आप हमें यहाँ पर आके डिलीवर कर दीजिए। इस खुशी के मौके पर हम तुम दोनों को एक तोहफा दें। तोहफा? ये कोई मामूली तोहफा नहीं है जारा, खास तौर से दुबई से मंगवाया है ये तोहफा, सबसे पहले हम तुम्हें दिखाएंगे। कबीर अहमद, तुमने हमारी सुहागरात में हमसे दूर रह के हमें तड़पाया, अब आज जारा की सुहागरात में उसे तुमसे दूर करके हम तुम्हें तड़पाएंगे। आज की रात सुहागरात में बर्बाद रात होगी। रुखसार के नाम का कोरियर है, हमारे हाथों में तो मेहंदी लगी है, जारा तुम ये खोल के प्लीज हमारे लिए पढ़ दोगी? जारा क्या है वो? लिखा नामा हमारी मोहब्बत, हमारी ख्वाहिश है, हमारी जिंदगी सब खत्म हो गया था। कभी सारा दरवाजा नहीं खोल रही है, वैसे आवाज आई कुछ गिरने की, हमें बहुत डर लग रहा, चली बस हो गया था, बहुत हो गया था, चलो चलो अपने घर चलो। ये हमारा घर है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं अपने घर में रहकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अल्लाह ताला ने हमें एक साथ एक रात गुजारने का मौका दिया, हमारे सारे अरमान पूरे हो गए। मजबूरी से की गई गलती ज़ारा गुनाह नहीं होती। मान लिया तुम्हारी मजबूरी थी, क्या उसके साथ रात गुजारना भी तुम्हारी मजबूरी थी? तुमने रुखसार के साथ दुबई में एक रात गुजारी, हाँ या नहीं? हाँ या ना? सुभान अल्लाह, में कल रात 8 बजे देखिए। कबीर अहमद, क्या आप अपनी बीवी रुखसार को तलाक देने वाले हैं? अजय कौन मर्द अपनी बीवी की मर्जी के खिलाफ जाकर उसे तलाक देने वाला है? तुम तो हमेशा तलाक देने वाले मर्दों के खिलाफ जाकर औरतों का साथ देती हो ना, तो बता तुम किसका साथ दोगी, हमारा या फिर कबीर का? क्या तुम कबीर को तलाक देने दोगे? हम तलाक के खिलाफ हैं, किसी भी औरत का तलाक नहीं होने देंगे, रुखसार का भी नहीं। कबीर अहमद वल्द शहबाज अहमद, हम तुमसे खुला मांगते हैं और तुम्हें हमें तलाक देना ही पड़ेगा, या तो तुम पूरे के पूरे हमारे या बिल्कुल नहीं। अपने शौहर कबीर अहमद को किसी के साथ बांटना नहीं चाहती तो ये जज्बात आपके अपने शौहर के लिए बेइंतहा मोहब्बत तो हो सकती है, मगर खुला लेने की वजह नहीं। तो ठीक है, ये मोहब्बत ही वजह बनेगी कि हम अपने शौहर की परछाई से तब तक दूर रहेंगे जब तक हमें खुला की वजह नहीं मिल जाती। पता है हमने क्या सोचा था कि हम और तुम पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े रहेंगे एक साथ। पता नहीं क्यों हमें अभी महसूस हो रहा है कि हम दुनिया के खिलाफ तो हैं मगर अकेले खड़े, हमारे आसपास कोई नहीं है। जारा कैसे कह दिया तुमने कि तुम खुला चाहती हो? सिर्फ एक बार कह दो, दिल पे हाथ रख के कहो कि तुम खुला चाहती हो, दिल पे हाथ रख के ये कहो कि तुम हमारे बिना पूरी जिंदगी गुजार सकती हो। कह दो कि हमें भूल पाओगी और कह दो कि वो जो तुम अपना सर उठाकर हंसती हो ना खिलखिला के, कि तुम हंस पाओगी। कह दो हमसे कि तुम रात में सो पाओगी, कि हम नहीं सो पाएंगे। तुम्हें पता है पिछली बार जब हम लड़े थे बहुत कोशिश की थी हमने रात में सोने की, मगर जारा
खुदा की कसम हमें नींद नहीं आई। हम अपनी घड़ी देख रहे थे, 4 बज गए मगर नींद नहीं आई हमें। नहीं नहीं, तुम हमें पागल नहीं करोगे। ये पागलपंती और हम पागल नहीं है। जिंदगी हमारी बर्बाद हो रही है, रिश्ता हमारा टूट रहा है, मोहब्बत की हमारी धज्जियां हो रही है, सिर्फ तुम्हारा। और पागल तुम हो रहे हो, और वैसे भी तुम्हारे पास तो है ना तुम्हारी रुखसार। मत बोलना, बार बार क्यों उसका नाम लेती हो तुम? पागल हो गए हम, दिमाग खराब है और उसी का नाम लेते जा रही हो तुम? नहीं नहीं, खुला नहीं देंगे तुम, जो करना चाहो करो। तड़पते रहेंगे पूरी जिंदगी मगर तुम्हें तलाक नहीं देंगे हम। मजबूर कर रही हो ना हमें, तो हम दीन से खारिज होकर रुखसार को तलाक देंगे मगर तुम्हें तलाक नहीं देंगे। जिंदगी भर तड़पते रहेंगे हम, नहीं देंगे कुछ भी हो जाए। आज तक तुमने आलिम दीन को देखा है? हाँ, वो कबीर अहमद जो तुम्हारे सामने आलिम दीन बनके घूम रहा है, आज तुम एक नए कबीर को देखोगी। जानती हो कौन सा कबीर? वो कबीर जो तुमसे प्यार करता, मोहब्बत करने वाले कबीर को देखो। इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। आज हम अपनी मोहब्बत का इम्तिहान देंगे कि हम सिर्फ कहते हैं या सचमुच कभी इसे बेनते हैं, मोहब्बत करते हैं। औकात में रहना, वरना वक्त आने पे औकात दिखाते मुझे टाइम नहीं लगेगा। मैं दिखाऊंगी तुम्हें तुम्हारी औकात। ऋषा आ गई। ऋषा रन, भागो यहां से। तुम जीरो यहां आओ। क्या बोल रही हो तुम? देख, तुम दोनों तैयार नहीं हुए? शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, चलिए जल्दी चलिए। इस शादी का इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? मेरा मतलब है कि खुदों से बचने का इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? अरे एक तीर दो निशाने, तुम समझ रही हो कि नहीं? ये काम जितने जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। कल्याणी से बात छपीला। जिस लड़की के शादी के हम बात कर रहे थे ना, वो यही लड़की है, कल्याणी। मेरा रिश्ता पूर्ण विराम। हमारे आज्ञा का पालन करने के अलावा तुम्हारे सामने अब कोई रास्ता नहीं। कैसे गुड्डन फंसी गुंडों के बीच, जिनसे है उसकी जान को खतरा? क्या अक्षत इस बार निकाल पाएगा गुड्डन को इस मुसीबत से, या इस बात से अनजान पूरे करेगा अपनी शादी के फेरे? आखिर कैसे बनेगी गुड्डन इंडिया की यंगेस्ट सास? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। क्या टोटका किया है तुलिका ने, क्या है सिद्ध फल का राज? क्या मीरा उसे झेल पाएगी या तुलिका की जादू शक्तियां जीत जाएंगी? जानने के लिए कल देखिए। मीरा, मीरा, मैं तुझे क्या पुछ की ब्यूटी के चंगुल से निकलकर सवार पाएगी अपना नया कल, या फिर सोना गाची की होगी उससे नए कल की शुरुआत? इसका मतलब निशा, बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ मैं आप सबको। निशा के बारे में मुझे ऐसा सच पता चला है जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। वेदिका जी, ये है पावर हमारे जादू का। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। साहिल को ही सच मत बताइए प्लीज। तुम जानती थी?